हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटी कोशिश में प्रियंका, तो आज मॉर्निंग में जग गई थी क्योंकि आज चिप्स काटना है आलू। रात को ये छिला चुका है, पानी में डला चुका है, जा रही हूँ काटने। अभी बजे हैं सुबह के 5:30। जा रही चिप्स काटने, ये पारी आलू और धर्मेंद्र और लक्की सो रहा है, बाकी लोग सारे उठे हुए हैं और पापा फोन पे गपिया रहे हैं और हम बैठे हैं। आलू इधर भी है, तो चिप्स मेरी उबल चुकी हैं और छत पे डालने से पहले पहले छत की थोड़ी साफ सफाई कर ले रही थी कि कुछ कचरा हो जो धूल के साथ उड़ के ना पड़े, इसलिए झाड़ू लगा लिया मैंने। अभी लगभग बजे हैं 9 और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ चिप्स का। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले सारा काम किया हो, सबको मिल के कर रहा है, फिर भी मेरे घर में 4 आदमी लगे हैं और ये इधर बन रहा है और इधर मैं। ये चावल का आटा है, वाइट वाला चावल यानी अरवा चावल, उसी को बनाऊंगी। बरी बोलते हैं हम लोग। और ये मेरी हालत है, इसी को कहते हैं चलती गर्मी। कौन सा पाउडर था ना, इसी पाउडर का दुखते चलती गर्मी आई। हम यहाँ नीचे आ चुके हैं, जैसे लग रहा था मर गए। और ये खाना में दाल चावल और भुजिया था, दाल चावल मैंने छोड़ा, बाकी इन्हीं लोग ने मिलकर बना लिया था। मैं सिर्फ यहाँ पे खाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पीछे दिन में सारे काम कर लेते हैं। ये सलाद, ये बैगन की चोखा इन लोगों ने बनाया है। अब जा रही हूँ खाने, बस इतना ही बोलने का हिम्मत है। मैं बाबू कभी मीठा नहीं खाता था, पता नहीं इससे देखकर कैसे खाने का मन करने लगा। हम लोग लाए थे अपने खाने के लिए, लेकिन ये देखकर खुद खाने लगा। अब खिला पिला था, यहाँ हमारी चाय बन रही है और साथ में पास्ता भी बन रही है के नाश्ते में। और ये मैंने रात को आलू का पराठा बनाया था। अजीब से हमारी पूरी तरीके से सूखने के लिए हमने इसे और एक दिन छोड़ दिया था। ये का वो बैठकर चिप्स को निकाल रहे थे, तो नेक्स्ट डे शनिवार थी तो मैं खिचड़ी बना रही थी। और खिचड़ी जरा स्पेशल है, शायद हम लोग दाल पिट्ठी खाते हैं उसी तरह की एक खिचड़ी है। मतलब दाल पिट्ठी जो बनाते हैं उसी में चावल डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने रोटी को बेलकर छोटे छोटे अलग अलग बनाकर इस तरीके का कुछ बनाकर रख रही हूँ। मतलब पिट्ठी बना के रख रही हूँ और इधर बैगन का चोखा बना रही हूँ।
अलग अलग शेप के मैं गिलास से ही काट ले रही हूँ। हाथ मम्मी तो हाथ से बनाते हैं, मुझे हाथ से तो बनेगा नहीं, इसलिए मैंने गिलास से काट कट कर डाल दिया। खाने से तो मतलब है। यहाँ पानी में हल्दी नमक जीरा पाउडर डालकर चावल दाल डाल दूँगी, उसके बाद ऊपर से जो पिट्ठी मैंने बनाया वो डालूँगी, नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगी, इसलिए उसको ऊपर से डालकर चलाकर ढक्कन लगा देना है और एक सीटी मारने के बाद उतार देना है। लो इसको उतारो, बैठा के खिलाओ और खाओ। लो बेटा ये आ खाओ, तुम लोग भी खाओ। लो बैठो खाओ। जाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मैं चलती हूँ खाना खाने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।